प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के चमोली में भारत चीन सीमा के पास माना पोस्ट पर आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए दिल्ली से रवाना हो गए। पीएम माना पहुंचने से पहले हिमाचल के किन्नौर में रुक गए, जहां उन्होंने सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ ही डोगरा स्काउट के साथ दिवाली मनाई। पीएम इस दौरान अचानक सुमड़ों के नजदीक चांगो गांव में भी रुक गए और गांव वालों के साथ भी दिवाली मनाई। देश के जवानों के साथ पीएम मोदी की दिवाली की पूरी तस्वीर और खबर दिखाने से पहले आप देख ले कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जब अचानक पहुंचे तो लोग खुश थे और लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सरप्राइज हो गए लोगों को, आश्चर्य लग रहा था कि अचानक प्रधानमंत्री हमारे बीच कैसे पहुंच गए हैं। लेकिन क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री एक बार फिर से जवानों के बीच दिवाली मनाएंगे, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जब जा रहे थे तो रास्ते में रुककर और गांव वालों के साथ, आईटीबीपी के जवानों के साथ, सुरक्षा बल के जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए वो रुक गए। जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, कहां कहां रुके प्रधानमंत्री और किन जवानों से मुलाकात हुई, कौन से गांव में रुके? अभी अभी जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री सुमड़ो गए और उससे पहले वो चांगो गांव में वो रुके। दरअसल ये किन्नौर का जो इलाका है ये चीन के साथ मिलता है और लद्दाख का इलाका जहां से खत्म होता है चुमूर का, वहां से ये इलाका किन्नौर का और उससे पहले लाहौल स्पीति का शुरू होता है। यहाँ फौज भी है और उसके अलावा आईटीबीपी रहती है। ये सारा इलाका बहुत दूर दराज का इलाका है, साल के 6 महीने से ज्यादा ये आम दुनिया से कटा हुआ रहता है और सुमड़ो और चांगो इस किस्म के जो गांव हैं बहुत दूर दराज के गांव हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है लेकिन उसके अलावा बहुत दुर्गम इलाका है। सर्दियों में यहाँ पर तापमान -30 डिग्री तक पहुंच जाता है, बारिश बहुत कम होती है। यहाँ का जो टेरेन है वो लद्दाख से मिलता जुलता है क्योंकि लद्दाख से ही सटा हुआ ये इलाका है, उसी तरह का टेरेन है। बहुत सख्त यहाँ पर जीवन है और चीन की सीमा यहाँ से मिलती है। दरअसल किन्नौर से ही शिपकीला एक जगह है, शिपकी दर्रा, शिपकी पास जिसको शिपकीला कहते हैं, वहां से भारत और चीन के बीच में नॉमिनल ट्रेड रूट भी होता है। जिस तरह से नाथुला से होता है उसी तरह से शिपकीला से होता है। 2003 में ये ट्रेड रूट खोला गया था। एंशियंट बहुत पुराने जमाने का जो मानसरोवर का रास्ता था वो भी शिपकीला से होकर गुजरता है। तिब्बत से यहाँ पर हमेशा से व्यापार होता रहा है लेकिन आज ये जगह जो है बहुत सेंसिटिव है क्योंकि चीन की हरकतें लगातार जारी है, चीन बगल में है। और प्रधानमंत्री इस बार कृष्ण मोहन पहुंचे हैं सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए और बीच बीच में रास्ते में वो कुछ जगहों पर रुके हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।